नमस्कार, आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही इजी रेसिपी। ये है लैक्टोज फ्री एगलेस पैनकेक्स विथ टॉस्ड एप्पल्स। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। मैं ये शुगर फ्री बना रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी और ये बहुत ही झट से बनता है। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। और इस रेसिपी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी विधि और इन्ग्रीडियंट्स लिख के दे दूँगी। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद। तो पैनकेक के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 200 ग्राम आटा। ये व्हीट फ्लार है। इसमें मैं डालूँगी 100 ग्राम मैदा, रिफाइंड फ्लार। अब इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। ये मैंने कैडबरी का लिया है। अब मैं इसको करूँगी मिक्स। फिर अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और मैं इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी, ये सोय मिल्क लिया है क्योंकि मैं ये लैक्टोज फ्री बना रही हूँ। ये मैंने चॉकलेट फ्लेवर का सोय मिल्क लिया है। पहले मैं इसमें 100 ml डालूंगी और इसको मैं जेंटली मिक्स करूंगी। और थोड़ा हमें चाहिए होगा। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, 1 छोटा चम्मच हनी, क्योंकि नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा। अब हम इसको जेंटली मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमारा बाकी का काम तो हो चुका है। अब मैं इसको ढक के 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख लूँगी क्योंकि व्हीट फ्लार को फूलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो टॉस्ड एप्पल्स विथ हनी बनाने के लिए मैं पहले एक एप्पल ले रही हूँ। इसको मैंने धो रखा है। अब मैं इसको इसको पील करूँगी। मैं ये छिलके को निकाल दूंगी यहाँ से। इसको हमें अभी राउंडल्स में कट करना है। इसका एंड पोर्शन निकाल दे और बीज भी निकाल दे बीच में से। और इसको फर्दर इसे रफली चॉप कर ले बीज को निकाल के। इसके पीसेस को हमें अनइवन रखना है। पहले चलिए इसको बना लेते हैं। ये टॉस्ड एप्पल्स बनाने के लिए मैंने एक पैन को गरम करने के लिए रख दिया है। ये गरम भी हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी हमारे कटे हुए एप्पल्स। इसको थोड़ा फैला के डालें और फ्लेम को मीडियम में रखें और इसको अभी हाई कर दे फ्लेम को और 1 मिनट के लिए एक साइड को पकने दे क्योंकि एप्पल को तो हमें पकाना नहीं है। अब मैं फ्लेम को सिमर करके इसको टॉस कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी हनी। ये मैंने 60 ml हनी डाला है और इसको कंटिन्यूसली आप स्टर करते रहें करीबन 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और इसको स्टर करने के बाद मैं इसमें डालूंगी दालचीनी का पाउडर। ये मैंने 1.5 टीस्पून दालचीनी का पाउडर लिया है। अब मैं फ्लेम को हाई करूंगी और इसको थोड़ा एप्पल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए रख दूंगी। आप देख सकते हैं ये कितना हेल्दी है और बिना बटर के भी बन रहा है और शुगर भी हमने नहीं डाला है इसमें। अब आप देख सकते हैं हनी और थोड़ा ब्राउन कलर हो गया है और हमारा एप्पल भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको एक प्लेट में निकाल दूंगी। तो चलिए पैनकेक बनाते हैं। मैंने नॉनस्टिक पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं थोड़ा ऑयल ग्रीस करूंगी। ये मैं नॉर्मल रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ क्योंकि हम बटर इसमें यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मैं पूरा इसको लैक्टोज फ्री बना रही हूँ। अच्छे से इसको ग्रीस कर ले। अब मैं एक एक करके पैनकेक्स को बनाऊँगी। ये थोड़ा फूलेगा और फैलेगा भी तो मैं एक ही डाल रही हूँ इसमें पहले। और ये थोड़ा पतला बनेगा। मैं फ्लेम को हाई में रखी हूँ। इसको 30 सेकेंड के लिए हाई फ्लेम पर रखें फिर इसको सिमर करके पकने दे 1 से 2 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये हो गया है। अभी हमें इसको पलटना है। आप अगर मोटा बनाना चाहते हैं तो बैटर को और भी गाढ़ा बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप कितना सोया मिल्क डालोगे।
और इसे मैंने फ्लिप कर दिया है और इसको मैं पकने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए सिमर फ्लेम पे रख दूंगी। अब मेरा एक पैनकेक बन गया है, मैं इस तरह से बाकियों को बना लूंगी। तो चलिए हम इस पैनकेक को सर्व करते हैं। मैं पहले इसको स्टैक बना के रख लूंगी। अब मैंने जो बनाया था ये टॉस्ड एप्पल्स, इसको मैं ऐसे मेस्ट वे में रखूंगी। ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, एप्पल के मुरब्बे जैसे लगता है ये, और इसको आप व्रत में भी खा सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत हेल्दी भी है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये चॉकलेट सॉस को ऐसे ड्रिजल कर लूँगी। अब मैं साइड में भी थोड़ा चॉकलेट सॉस को दे दूँगी यहाँ पे। तो लीजिए, बन गया हमारा लैक्टोज फ्री एगलेस पैनकेक विथ टॉस्ड एप्पल्स।